गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक कर लिया था, आप सबको याद होना चाहिए लास्ट क्लास में क्या किया था। डाउट किसी का भी नहीं लूंगा मैं भी, पहले मैं टॉपिक कंप्लीट करा लूँ, फिर हर किसी बच्चे का अलग से एक एक करके डाउट लूंगा। लास्ट क्लास में हमने कर लिया था जीएसटी में सिर्फ नॉर्मल सेल्स और जीएसटी में नॉर्मल परचेज, अदर इनकम अदर एक्सपेंस, ठीक है ना। अब जीएसटी की हम बात करेंगे। जीएसटी में आपका ट्रेड डिस्काउंट के हिसाब से क्या होगा, ठीक है, और जब जीएसटी परचेज के टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट होगा तो उसकी बात करेंगे हम। तो अगर मैं परचेज की बात करूं तो इसको भी टॉपिक में कन्वर्ट में कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। अब आपको पता ही है परचेज कितने तरीके से हो सकता है। मैं हर किसी की एक एक एंट्री करूंगा, बस छुट्टी। अगर मैं परचेज की टाइप्स ऑफ परचेज बताऊं तो पॉसिबल है कि कैश में हो सकता है, फुल कैश, या फिर बैंक से। मैं दोनों एक एक कर दूंगा, एक कैश वाला एक बैंक वाला, ठीक है। और क्या हो सकता है? और हमारा हो सकता है कैश बैंक के साथ साथ, एक हो सकता है हमारा क्रेडिट में, क्रेडिट में। अब ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों ही लेंगे, है ना। एक हो सकता है हमारा कैश एंड क्रेडिट, ठीक है। एक हो सकता है कैश एंड क्रेडिट, बस इतने ही टॉपिक हैं। ये तीन टॉपिक ही रहेंगे हमारे परचेज में, है कि नहीं। चलिए पहले के लिए समझ में आया सबको। काफी बच्चे की क्वेरी है, सर मेरा ये पॉइंट डाउट में है, ये इस तरीके से चल रहा है, दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, मैं लाइव क्लास में लूंगा आपका, लेकिन पहले मुझे टॉपिक खत्म करने दें ताकि फिर मैं फटाफट लाइव क्लास में लूँ। और होमवर्क आप डेली बेसिस पे भेजिए, कुछ बच्चे नहीं भेज रहे होमवर्क तो होमवर्क अपडेट रखें आप। चलिए पॉइंट नंबर वन, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं लिखने जा रहा हूँ। मैंने बोला गुड्स परचेज रुपीस 10,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 5%, सॉरी 10%, एंड कैश डिस्काउंट 5%, जीएसटी 10%, बस सेंटेंस खत्म। आप मुझे जवाब दीजिए, ये कैश पे है कि क्रेडिट पे है, सोच के बताइए आप, ये कैश पे है या क्रेडिट पे है। तो गुड्स परचेज किया 1,000 रुपए का, चलो दूसरा मार्कर यूज करें, आप कहते तो कर लेते हैं दूसरा मार्कर यूज, दूसरा मार्कर, दूसरा मार्कर ये लो जी, ठीक है ठीक है। आप सेकंड मार्कर ले लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, हमने सामान खरीदा ये, उसके ऊपर एक तो ट्रेड डिस्काउंट है 1%, ये एक कैश डिस्काउंट ये परसेंटेज, ये एक जीएसटी, यानी इसके ऊपर तीन तीन कैलकुलेशन जाने वाली है ना। सबसे पहले तो आप डिसाइड करो कि ये जो सामान बेचा है ये कैश में बेचा है या क्रेडिट में बेचा है। तो आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे नाम तो है ही नहीं, तो ये बेचा गया है किसमें, कैश में। हम वर्किंग नोट की बात करते हैं, वर्किंग नोट। सबसे पहले आप लिखते हो परचेज, परचेज 10,000, और आप याद रखना सबसे पहले अब माइनस करना होगा ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट पहले हो या कैश डिस्काउंट पहले हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले हमें माइनस करना चाहिए ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है भाई, 10%, माइनस कर दिया 1,000 रुपए, बचे कितने 9,000 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकाला, 10,000 इंटू 10/100, क्लियर। आगे चलते हैं,
आगे हमारा ये बैलेंस बचा, बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट के बाद फिर प्लस करेंगे, अब परचेज है तो इनपुट, इनपुट सीजीएसटी, एंड प्लस करेंगे इनपुट एसजीएसटी। अब 10% है तो 5-5% 99 सौ रुपए, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, सबसे पहले नंबर वन क्या माइनस करोगे, क्वेश्चन में कुछ भी बोला हो आपका लगभग, तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। फिर क्या माइनस करिएगा, फिर माइनस करेंगे हम, माइनस नहीं करेंगे, नंबर दो पे हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, जीएसटी। उसके बाद थर्ड स्टेप पे हम माइनस करते हैं कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। साफ साफ लिखना, कुछ बच्चे बड़ा गंदा गंदा लिखते हैं, साफ साफ ये भी माइनस है, ठीक है। अब सारा का सारा कैश में है तो अब माइनस करेंगे लेस कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट माइनस करिए, कैश डिस्काउंट 99 सौ में कितने परसेंट कैश डिस्काउंट है, 5%, तो ये आ जाएगा हमारा 495, यही आएगा ना। 10% 990, हाँ बिल्कुल ठीक है। बैलेंस जो बचा हमारा, बैलेंस कितने रुपए बच गए आपके, बैलेंस बच गए 9408, सॉरी 405। ये जाके मेरे जेब से पेड होगा, ठीक है ना। तो फिर से समझो आप एक बार, सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद हमें क्या ऐड करना है, जीएसटी। जीएसटी ऐड करने के बाद अगर ट्रांजेक्शन कैश में है तो कैश डिस्काउंट माइनस होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम बाइफिकेशन करते हैं कि कौन सा आइटम को हमें कहां लेके जाना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट के बाद का ही हमें सोचना है, ये मैं लाइन खींच देता हूं यहाँ पे, ये खींच दिया मैंने, इसके बाद के ही सारे जाएंगे डेबिट क्रेडिट। ट्रेड डिस्काउंट तो हमारे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। आंसर इज नो, ट्रेड डिस्काउंट हमारा रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बाकी ये है बैलेंस है, इनपुट जीएसटी सीजीएसटी कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब ये हमारा परचेज 10 का भले था लेकिन परचेज माना जाएगा, ये परचेज याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, परचेज है तो डेबिट होगा, खर्चा है। ये क्या है हमारा, इनपुट एसेट है, एसेट से तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट डेबिट होना चाहिए। ओहो, अब डिस्काउंट क्या है हमारा, डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर हम परचेज करेंगे देंगे या लेंगे बताओ, जब हम कोई सामान खरीदने जाएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा हमें, है ना। मैं दुकानदार हूं, मैंने बोला भैया मार्कर कितने का है, उसने बोला सर 20 रुपए का, मैंने बोला कस्टमर भी 20 का नहीं ले रहा आजकल, तो बोला चलो 18 देना, तो मैं 20 वाली चीज 18 के लिए आया, तो डिस्काउंट लिया है, तो डिस्काउंट रिसीव है, मैं इसको डीआर लिख देता हूँ। तो डीआर का मतलब क्या है, ये इनकम यानी क्रेडिट, और कैश हमारा एसेट्स तो है लेकिन एसेट्स जाएगा, इट दैट्स वाई क्या होगा, ये भी होगा हमारा क्रेडिट। तो देखो दो आइटम क्रेडिट वाले हैं, दो आइटम डेबिट वाले हैं, है ना। अब इसकी जनरल एंट्री करके दिखाता हूं, देखो यहाँ पे विजुअल है प्रॉपर, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट कितने रुपए परचेज में जाएंगे, 9000। उसके बाद इनपुट जीएसटी सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव बीइंग आपने लिखना है, ये आएगा हमारा 450, 450 और ये 9405। थोड़ा कंजेस्टेड है, आप इसे साफ साफ नोट करेंगे, अगली एंट्री में थोड़ा साफ साफ करूंगा। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट एंट्री इसके लिए। अब मैं एक बार कैश और बैंक दोनों मिक्स करके कराऊंगा, फटाफट नोट करिए एक बार इसको, ठीक है ना, एक बार जल्दी जल्दी से नोट करिए, आप इसको नोट करिए। ये मैं यहाँ पे देखो इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, अगली एंट्री में साफ साफ करूंगा। कुछ बच्चे मेरे जैसा ही नोट कर लेते हैं गंदा गंदा,
ऐसा नहीं चलने वाला, ये जर्नल एंट्री है आपका, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। करिए नोट फटाफट से। जल्दी जल्दी नोट करिए। कर लिया नोट? नहीं करा तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना? नहीं करा तो इसको पॉज करके नोट करिए। अब इसे मैं मिटा रहा हूं, टिक टिक टिक, ये लो मिटा दिया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर टू इसी के लिए है। पॉइंट नंबर टू, गुड्स परचेज, परचेज रुपीज 10,000 एंड कैश डिस्काउंट 5% एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%, IGST 10%, 50% अमाउंट रिसीव बाय कैश एंड बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट बाय चेक। रिसीव नहीं, सॉरी, पेड होगा, परचेज कर रहे हैं ना, पेड बाय कैश, ठीक है। क्वेश्चन का कहना क्या है, मैं यहां वर्किंग नोट कर रहा हूं अब आपके लिए, विजुअल है यहां पे ना, ठीक है। क्वेश्चन का कहना है कि सर हमने जो सामान की खरीदारी करी है वो सामान की कितने रुपए की खरीदारी करी है मैंने? सामान की खरीदारी करी है मैंने टोटल मिला लो 10,000 रुपए का, लेकिन उस 10,000 में कैश डिस्काउंट भी है और ट्रेड डिस्काउंट भी है। उस 10,000 में कैश डिस्काउंट भी है और ट्रेड डिस्काउंट भी है। अच्छा सर, बिल्कुल, यानी ये हमारा कैश डिस्काउंट है और ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। देखो पिछले क्वेश्चन में पहले ट्रेड था ये, लेकिन रूल क्या कहता है, आपको सबसे पहले तो ट्रेड ही माइनस करना है, उसके बाद 10% हमारा IGST है और 50% हमने जो अमाउंट है पेड किया बाय कैश और बैलेंस बाय चेक किया, ठीक है ना। चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका परचेज है, परचेज 10,000 का, ठीक है। परचेज कितने का है? 10,000 का। इसमें से क्या माइनस करिएगा? सबसे पहले माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10% है हमारा। अब देखो ये माइनस होगा 1,000, बचे कितने हमारे? 9,000। बचे कितने हमारे? 9,000। विजुअल है ना आपको? ओके, बिल्कुल सर विजुअल है। अब इसके अंदर हम प्लस करेंगे इनपुट IGST, 10% 900 रुपये, टोटल क्या हो गया? 9,900 रुपये। टोटल क्या हो गया? 9,900 रुपये। अब इसमें से डिस्काउंट देना है कैश, तो भाई इसके दो टुकड़े हो गए, एक चला गया कैश में पेमेंट और एक चला गया बैंक से पेमेंट। आपको हालांकि इस टाइप का एंट्री मैंने करवाया हुआ है, ना याद हो तो दोबारा करवा रहा हूं मैं। जो कैश में पेमेंट जा रहा है ना आपका, जो दे रहे हो आप, जो पेमेंट आप कैश में दे रहे हो, यहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा। कौन सा डिस्काउंट मिल जाएगा? कैश डिस्काउंट। लेकिन जब हम बैंक से पेमेंट देते हैं तो वो भी कैश के बराबर ही माना जाता है आपका, देन वहां पे भी आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या मैंने बताया आपको, जब कभी भी आपका पेमेंट होगा चेक से चाहे कैश में, कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर क्वेश्चन में कह रखा हो। तो कैश डिस्काउंट आधा करते हैं तो आधा क्या आ जाएगा? 45 तो आ जाएगा हमारा 9,000, 49,950 एंड 49,950, ठीक है ना। अब माइनस कर दो CD, CD, CD कितने परसेंट है? CD कितने करें हम?
ओहो सर, सीडी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा परसेंटेज चेंज कर देता हूँ। सीडी भी 10 कर देते हैं। लो, सीडी भी 10%। मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना, 5% वाले से क्या कर दिया मैंने, सीडी भी 10%। ठीक है, 10% सीडी 495। 495 माइनस करोगे तो बचेगा 4000, 555। यहां भी माइनस होगा ना सीडी। यस सर, कितने 495 बचे, कितने 4555। ओहो, 555 ये आ गया। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन समझ में आया। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको दिखे। आप बड़े ही ध्यान से देखना इस कैलकुलेशन को। ये लो, ये लो, ये लो, ये वर्किंग नोट। क्या सर हमें भी करना एग्जाम में? नहीं, आपकी इच्छा है, सिर्फ ही आपके लिए क्या था। अब दिख रहा है ना प्रॉपर? मैंने प्रॉपर तरीके से हाईलाइट कर दिया। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? हाँ सर, दिख तो रहा है। तो पहले, सबसे पहले परचेज लिया, माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, ये बचा। फिर प्लस कर दो जीएसटी, ये। अब इसमें से पार्टीशन हो गया, कुछ कैश कुछ बैंक। है तो दोनों कैश के बराबर ही, है तो दोनों कैश के बराबर ही। तो दोनों में से मैंने क्या करा, कैश डिस्काउंट को माइनस कर दिया। ठीक है, अब जर्नल एंट्री देखो। अब जर्नल एंट्री बता रहा हूँ, सारा क्वेश्चन ऐसे ही करना, एक बता रहा हूँ मैं। अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसे आया, फिर रजिस्टर को मैं दोबारा बोलूंगा मेंटेन करने को। एलएफ डेबिट क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर जर्नल जर्नल एंट्री। ठीक है, अब जर्नल एंट्री के रूल भी बता देते हैं। देखो, हमारा इससे पहले पहले तो यूज होगा नहीं, याद होगा। ये हमारा परचेज है, इट शुड बी डेबिट। ठीक है, ये एसेट्स है, डेबिट। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव है, क्रेडिट। बैंक क्रेडिट, क्यों बैंक क्रेडिट? क्योंकि जब पेमेंट करेंगे तो बैंक का बैलेंस कम होगा, डिक्रीज द एसेट्स क्या होता है, क्रेडिट। और ये भी क्रेडिट। तो डिस्काउंट देखो दो दो हो गया, तो दोनों डिस्काउंट को हम मर्ज करके लिखेंगे अब, है ना, एक साथ नहीं लिखना। तो मैं आराम आराम से लिखता हूं, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज में क्या आएगा भाई, 9000 रुपए, 9000 डेबिट वाले में। इसके बाद इनपुट आई जी अकाउंट 900 रुपए, ये डेबिट वाले कॉलम में 900। उसके बाद टू, कुछ बच्चे यहां भी टू लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, टू बिल्कुल सेंट। टू, टू में क्या लिखे भाई, टू में लिखते हैं हम कैश हो गया, बैंक हो गया, और टू में आ जाएगा हमारा। एक तो कैश में पेमेंट गया है और एक गया है बैंक से पेमेंट। तो कैश में पेमेंट गया है 4555। ठीक है, और बैंक से भी गया है 4555। इस तरीके से नीट एंड क्लीन लिखना है। टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट कर देता हूं सिर्फ मैं, टू डिस्काउंट रिसीव सिर्फ मैं क्या करने जा रहा हूं, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होगा, एक ये वाला डिस्काउंट है हमारा, एक ये वाला डिस्काउंट है, दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को अगर जोड़ दे तो 990 रुपये हो जाएगा। तो 990 रुपये। अब आप कई बार बोलोगे सर हमें इतने बड़ी एंट्री कैसे पता चलेगी सही है गलत है। इन सब का जोड़, इन सब के जोड़ के बराबर होना चाहिए, इनका टोटल इसके टोटल के इक्विवेलेंट होना चाहिए। बीइंग, बीइंग तो आप समझदार हो, गुड्स परचेज रुपीस आप लिख सकते हो, या गुड्स परचेज ऑन कैश एंड बाय चेक, जो आपको सूटेबल लगे लिख सकते हो। नोट करिए ये वाला पॉइंट कंप्लीट, फिर ये करेंगे और ये करेंगे। लो जी, ये भी खत्म हो जाएगा। जल्दी जल्दी नोट करिए, आप फटाफट से नोट करिए। करा नोट आपने? हाँ सर, कर लिया।
आपने नोट नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को ऐसे करके टिक पॉज करिए और फटाफट से उसको साफ साफ राइटिंग में नोट करिए, है ना? हाँ सर, कर लेंगे ना, पक्का करोगे ना? हाँ सर, कर लेंगे। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज बहुत सारी मेरी क्लासेस है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मिटा रहा हूं मैं, नहीं तो पूरा लिखवा के ही मिटाता। क्रेडिट वाले आइटम पे आ जाते हैं, है ना? क्रेडिट, सेकंड पॉइंट, ये बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ क्रेडिट है। मैंने थर्ड एंट्री गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹50,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5% एंड GST 10%। तो बताओ GST 10% बोला तो कौन सा है, CGST है, SGST है, बताओ जल्दी जल्दी। अरे जल्दी जल्दी बताओ, याद होगा आपको, जब सिर्फ GST बोला जाए तो इसका मतलब दोनों है, और जब IGST बोला जाए तो आपका IGST होगा। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, मैं यहाँ इसका वर्किंग नोट करता हूँ फिर से, अगेन इस साइड कर देते हैं वर्किंग नोट। देखो आपने परचेज कितने का किया? सर परचेज तो किया ₹50,000 का। रूल क्या कहता है, पहले TD माइनस करो जी, ट्रेड डिस्काउंट 10%। देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या है, 10% है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1,000 बचे तो 5,000 होगा, है ना? 45,000 बचा माइनस करने का। फिर क्या करिए, GST ऐड करिए, तो प्लस इनपुट CGST प्लस इनपुट SGST। CGST की हम बात करते हैं, इसे कैश है, ठीक है? CGST की अगर हम बात करें तो CGST कितने है हमारा, 10% है, तो 5% वो, 5% वो, तो इसका आ जाएगा 2,250 एंड 2,250, दोनों को टोटल कर देते हैं तो 45,000, तो 49,500 रुपए। अब कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, अब माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट, रुको 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 रुको, कैश डिस्काउंट कैश ट्रांजेक्शन पे होता है, ये कैश में ट्रांजेक्शन है क्या? सर ये है, नाम आ गया, सिर्फ नाम, तो ये किस पे ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट पे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन है तो कैश डिस्काउंट भले ही क्वेश्चन में दे दिया, तो वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो ये वाला डिस्काउंट नहीं लेंगे, तो CD नहीं, बस यहीं तक वर्किंग नोट। अच्छा जर्नल एंट्री फॉर्मेट बना रहा हूं, देखो आपके लिए, आपने भी प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना है ना? ये लीजिए LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ये पर्टिकुलर, इधर भी डेट का कॉलम आता है भूल मत जाना, लेकिन आप तो एक ही बार खींच लेना, सारा कॉन्सेप्ट समझना और उसी के नीचे पॉइंट नंबर 1, 2, 3 करते जाना, है ना? परचेज अकाउंट डेबिट, अब आपने बताना है परचेज कितने का मानू, 50 का के 45 का, जवाब सर 45 का। इनपुट CGST अकाउंट 2,250, एसेट्स है ना इनपुट, तो इनपुट SGST अकाउंट, SGST अकाउंट कितने, 2,250 रुपए, ठीक है? टू, कैश तो है नहीं, उधार दिया है तो नाम आएगा, जैसे कि राम है, राम को पैसे देना है तो इट शुड बी क्रेडिट टू राम। कुछ बच्चे पूछते हैं नाम के साथ अकाउंट लगाना है क्या, देखो ऐसे करके अकाउंट लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं लगाना, टू राम। टोटल हो गया ये 45,000, 49,500, जल्दी जल्दी नोट करिए, बींग आपने लिखना है गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो ये भी कंप्लीट।
अब लास्ट टॉपिक है हमारा कैश एंड क्रेडिट। ये करते ही हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, अच्छे से ये वाला परचेज वाला हो जाएगा। फिर इससे रिलेटेड भी होमवर्क दूंगा और फिर सेल्स वाला भी दूंगा, ठीक है ना? अब इसको एक बार नोट करो जल्दी जल्दी से, फुर्ती में नोट करिए जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगाना। वर्किंग नोट सर ये भी लिख दो। अरे ये देखो ना, ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर वाला होता है तो ये डेबिट होगा, ठीक है? जल्दी जल्दी नोट करिए। चलिए लिखते हैं, मिटाते हैं, मैं भी कह रहा हूं लिखते हैं, तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। मिटा दो इसे। हाँ जी स्टूडेंट, मिटा दिया जाए। यस मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, ठीक है। चलो मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर मिटाता हूँ और ये मिटाता हूँ, और मैं थोड़ा सा अब इसमें अल्टरनेट कुछ चेंजेस करूंगा, ठीक है? थोड़ा चेंज किया, क्वेश्चन यही है, बस पॉइंट नंबर 4 लिख दिया मैंने इसको। मैंने लिखा एंड 50% अमाउंट, 50% अमाउंट पेड बाय कैश। अब यहां कैश भी आ गया, क्वेश्चन सेम था कि मैं इसको, चलो आप बोल रहे हो सर सेम मत करो, चलो मैं 10,000 कर देता हूँ, ठीक है ना? अभी बहुत बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट ना करें, मैं कमेंट देखूंगा ही नहीं। 4, 10,000, ठीक है? चलो जी सर ये तो समझ गए 10,000। अब वर्किंग नोट भी करी दो। लो जी लो वर्किंग नोट, परचेज परचेज 10,000। सबसे पहले क्या माइनस होगा बताओ? अरे बताते क्यों नहीं, क्या माइनस होगा बोलिए सर। माइनस माइनस डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है? 10%, 1,000 रुपए बचा हमारा 9,000। अब क्या माइनस करें? तो सीजीएसटी के बजाय मैं कर देता हूं आईजीएसटी, है ना? IGST थोड़ा चेंज कर दिया, IGST 10% यानी 900 रुपए। परसेंटेज निकालना आता है ना, जिसको नहीं आता वो बता देना मुझे, मैं समझा दूंगा, अभी नहीं क्लास के बाद। 99,100 रुपए, 99,100 रुपए, ठीक है? अब परचेज हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, IGST हो गया, 99,100 रुपए आ गए। अब क्या करें? टिक टिक। अब आते हैं हम कैश डिस्काउंट की बारी। 50% हो गया यहां से, इसका 50% क्या होगा? 4, 5। 50% होगा 4, 5, 900 का हो जाएगा हमारा 50%, 450। तो 45, 4950, 4950, ठीक है? दो हिस्से में तोड़ दिया हमने इसको। सबसे पहले माइनस किया ट्रेड डिस्काउंट, फिर हमने प्लस कर दिया जीएसटी। अब इसके ऊपर ये, अब मान लेते हैं ये वाला जो पोर्शन है इसको समझ लेते हैं, ये कैश है 50%, और ये वाला पोर्शन जो है ये क्रेडिट है, समझ लेते हैं। तो कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा आप बताओ जल्दी जल्दी, बस आपने बताना है, मन में बोलना है किस पे मिलेगा? कैश पे। माइनस सीडी, कितने परसेंट है कैश डिस्काउंट भाई? कैश डिस्काउंट है हमारा 5%, है ना? तो 5% ले लेते हैं, तो 495, 500 यानी 500 है तो 250, लेकिन अब होगा 247,50। क्यों? चलो इसको भी 10 ही कर देते हैं, क्यों झंझट में पड़े, सीधा सीधा रहेगा, आपको भी सीधा सीधा समझ में आएगा। 495, 495 माइनस अगर हम कर देते हैं इसमें से, तो 4555 आ गया।
समझे यहाँ तक? आप समझ में आ गया यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है ना? तो एक तो हमारा इसमें कैश है और क्रेडिट है। अब रूल भी लिख दूं मैं यहीं पे, रूल लिख दो सर। देखिए रूल, रूल ये तो परचेज है तो डेबिट होगा, ये परचेज यहां से स्टार्ट है डेबिट होगा, ये एसेट है तो क्या होना चाहिए इसको, क्रेडिट हो डेबिट होना चाहिए। ये कैश है एसेट है, अब बताओ ये कैश एसेट्स क्या हो रहा है? जब भी कैश और बैंक आए तो सोचो कि वो कम हो रहा है या ज्यादा, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? कम। तो ये क्या होगा हमारा? क्रेडिट होगा जब कम होगा तो। डिस्काउंट रिसीव है, इनकम है तो इट शुड बी क्रेडिट, और ये उधार है तो लाइबिलिटी है तो इट शुड बी ऑल्सो क्रेडिट। सबको ध्यान से देखना है आपने, और जर्नल एंट्री में बस पुट करना है, ठीक है? जर्नल एंट्री, ये लो फॉर्मेट। मैं सारे क्वेश्चन फॉर्मेट में करूंगा, आपको भी फॉर्मेट में करना है। टिक टिक, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, LF, और ऊपर लिखना है जर्नल, और यहां लिखना है पर्टिकुलर। इधर कुछ लिखते हैं, डेट लिखना है आपने, 1 2 3 4 लिख दो, अगर डेट नहीं मिलता तो ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट में क्या आएगा? परचेज डेबिट 9,000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, तो इनपुट IGST 900 रुपए। टू कैश अकाउंट, कैश पेमेंट ये हुआ है तो कैश अकाउंट 4555। टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का है? 495 रुपए का, और जिसको उधार दिया है उसका नाम आ जाएगा टू राम, टू राम। अभी उधार वाली करी थी ना एंट्री, तो जब आएगा तो टू राम, कितने का राम आ जाएगा? 4950। ये लो जी, इसका बीइंग क्या लिखना है? गुड्स परचेज फ्रॉम राम, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखना, समझे आप? चलिए इसको आप नोट करिए आप फटाफट से, फिर हम अगले देखेंगे। एक और ले लूंगा एग्जाम्पल मैं, 40% वाला है ना, करिए नोट फटाफट। जल्दी जल्दी करिए नोट। चलिए सर कर लिया, ओके मिटा दूं इसे। हाँ सर, ये लो, अब एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लास्ट। गुड्स परचेज फ्रॉम राजा ₹50,000 एंड कैश डिस्काउंट 10% एंड ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड IGST 10%। 50% अमाउंट पेड पेड 50% अमाउंट पेड बाय कैश एंड 20% अमाउंट पेड बाय चेक, चेक बैलेंस बैलेंस ऑन क्रेडिट। इसकी जर्नल एंट्री नहीं करूंगा मैं, सिर्फ वर्किंग नोट करके दिखाऊंगा, बाकी जर्नल एंट्री आपने ही करनी है, इसे होमवर्क भेजना, ठीक है? चलो हाँ सर कर लेंगे बिल्कुल। परचेज कितने का है? 50,000। अब इस 50,000 के सबसे पहले माइनस करो
ट्रेड डिस्काउंट, कितने परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट जी? 20%, जो हो गया हमारा 10,000। कैसे निकालते हैं कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, तो 50,000 का इंटू 20/100 आया आपका 40,000 रुपीज। इसके बाद माइनस करें, क्या माइनस करें इसके बाद? इसके बाद माइनस थोड़ी होगा, प्लस होगा, प्लस इनपुट IGST, इनपुट IGST कितने परसेंट है? 10%, 4,000 रुपये प्लस कर दिया, हो गए 44,000 रुपये। अब इसको तीन टुकड़े में मैं डिवाइड करूंगा, तीन पार्ट्स में बटेंगे ये। 50% 22,000, 20% 8,800, एंड देखो कितने परसेंट था, एक तो था 50%, ये आ गया 50%, उसके बाद 20% बाय पेड बाय चेक है, तो ये आ गया 20% हमारा। किसका 20%? इसका। बचे कितने? 30। अब 30% अगर इसका निकाले तो क्या होगा हमारा? 12,000, 13,200, 13,200 रुपये, ये है हमारा 30%। अब कुछ स्टूडेंट का क्वेरी हो सकता है, क्या सर यहाँ पे हमारा हो सकता है कि बैलेंस बचे हुए का 30% हो? वो मैं अगली क्लास में भी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं बोचा बोला के बैलेंस, तो बस सिंपल यही रहेगा, ठीक है ना? चलिए अब इसमें से माइनस करेंगे CD, कितने परसेंट है जी? CD 10% है, 2,200 रुपये। इसमें से भी माइनस होगा, CD कितने? 880 रुपये। दोनों CD को क्लब कर देना है आपने। इसमें CD माइनस होगा कि नहीं जी, ये क्रेडिट पे है, तो मैं लिख देता हूं, ये किस पे है? कैश पे। ये किस पे है? बैंक से। और ये किस पे है? क्रेडिट पे, ठीक है? एंट्री अगर मैं बताऊं आपको कि कौन सी जगह पे क्या जाएगा, तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है? या आप करके दिखाना है, फिर मैं करूंगा, ठीक है बच्चे? तो ये जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आपको अच्छे से इसको नोट करना है। चलिए ठीक है, नोट करके इसकी जनरल एंट्री बताना करके, फिर मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चे, गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सेल की एंट्री के साथ।